अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है सुजुकी मेहरान कार्बोरेटर के इस शावर को खोलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको किस तरह जो है ठीक कर सकते हैं, इसको किस तरह वॉश कर सकते हैं। शावर का क्या काम होता है कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और पेडल दबाते हैं एक्सीलेटर का, तो उस वक्त एक्सीलेटर जैसे ही हम दबाते हैं, यहाँ पर इसके लीवर हैं, ये इस लीवर से इस तरह कनेक्ट होता है, इधर लगा होता है। तो लीवर हम जब दबाते हैं पेडल के ज़रिए, तो ये इस तरह पेट्रोल की जो है शावरिंग करता है कार्बोरेटर के अंदर। तो आइए दोस्तों, अब कार्बोरेटर को खोल लेते हैं और जानते हैं इसके बारे में, कार्बोरेटर के शावर के बारे में कि काम किस तरह करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। ये इसके चार जो हैं स्क्रूज़ होते हैं, इनको खोलने से जो है शावर जो है थर्ड इसमें से कार्बोरेटर के अंदर से बाहर आ जाएगा। और इसका ये लीवर होता है यहाँ पर नट, इसको भी आपने इसमें से अलग करना होता है निकाल कर। ये दोबारा मैं आपको लगा कर जब दिखाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसको इसमें से किस तरह जो है निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको इसमें से निकालते हैं और मैं आपको इसके पार्ट्स दिखाता हूँ, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आप इसको किस तरह जो है सर्विस कर सकते हैं, किस तरह आप इसको वॉश कर सकते हैं। ये देख लें, इसके स्क्रूज हमने निकाल लिए। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर ये स्प्रिंग होता है इस जगह पे, और ये इसका डायफ्राम है, ये देख लें आप। हाँ, सबसे ऊपर ये डायफ्राम होता है ऐसे, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर फिर लीवर लगता है। ये लीवर आप देख लें इसका, ये शावर का ये लीवर है, ये फिर लगाया जाता है। और इसके नीचे ये इसकी मेन बॉडी है, यहाँ पर इसकी ये किट लगी हुई है, इसको जैन भी कहते हैं, गैस किट भी कहते हैं, ये भी आप देख लें इसके नीचे। तो इसका काम होता है शावरिंग करना, यानी पेट्रोल की शावरिंग करता है कार्बोरेटर के अंदर। और इसको आप इस तरह उतार के भी अच्छी तरह पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं, बगैर उतार के भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। और इसको दोबारा लगाने का ये तरीका होता है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक उभरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये रॉड सा है छोटा सा, ये यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह फिट होता है, ये रॉड इसके अंदर आ जाता है इधर इस पोजीशन पे, ये रॉड जो है यहाँ पर इसको लगता है इस जगह पे। जब हम इसको इस तरह फिट करते हैं इसके ऊपर, तब ये इस हिस्से पर फिट होता है। तो आइए अब इसको हम दोबारा लगा देते हैं ताकि आप इसको देख सकें, समझ सकें कि ये किस तरह जो है काम करता है। आपने सबसे पहले जो है ये रख देनी है इसके ऊपर इस तरह, ये देख लें इसकी जो गैस्केट है ये इसमें से गुजर चुकी है, और इसको आपने इस तरह लगाना है इस जगह पे। उसके बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर का ये स्प्रिंग इसमें रखना है यहाँ पे, फिर ये जो इसका डायफ्राम है, ये जो ये साइड है दोस्तों, ये ऊपर की साइड, ये लीवर की साइड है, आपने ये वाला हिस्सा जो है इसका इस तरह रखना है इसके ऊपर, ये देख लें। और सबसे आखिर में जो है ये लीवर का ये जो कवर है, ये आपने इसके ऊपर एहतियात के साथ इस तरह रखना है और इसको यूँ हाथ से दबा देना है, और इसी पोजीशन पर आपने चेक करना है कि आया शावर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस लीवर को ऊपर नीचे करने से आपको पता चल जाएगा कि शावर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके जो ये चारों स्क्रूज हैं ये इसके अंदर लगाने हैं, और इनकी अलाइनमेंट भी साथ साथ करनी है। ये इस तरह आप इसके अंदर जो है लगा सकते हैं, ये देख लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देख लिया कि आप किस तरह जो है शावर को उतार सकते हैं और दोबारा फिट कर सकते हैं, और इसकी सफाई भी किस तरह कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। और अब मैं जो लीवर के बारे में आपको समझा रहा था वो आपको दिखा देता हूँ। ये इसका लीवर है, ये इधर जो इसकी थ्रॉटल है इससे ये मूव करता है, ये देखें आगे पीछे। इसको लगाने का तरीका है कि आपने सिंपली स्प्रिंग को नीचे पुश करके ये उतार लेना है, ये देख लें ये इसका स्प्रिंग है यहाँ पर, और एक ये वाशर है, इन दोनों चीज़ों को आपने इसके पीछे ही रखना है लीवर के। और लीवर को हाथ से आपने आगे करके इसमें से ऐसे गुजार देना है, और फिर जो नट है इसका ये इस पर आपने इस तरह लगा देना है, ये देख लें इस तरह। तो इस तरह जो है आप इसको इसमें फिट कर सकते हैं, ये देख लें अब शावर जो है इसमें काम कर रहा है। जैसे ही मैं थ्रॉटल दबाता हूँ तो ये शावर का जो लीवर है यहाँ पर आप देखें तो ये भी हरकत कर रहा है, इसको आप जितना इस तरफ करेंगे उतनी ज़्यादा जो है ये हरकत करेगा लीवर, ये आप देख लें, अब देख लिया आपने। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मज़ीद नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अब आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।